वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स जनता दरबार। पहले तो ये बताएं कि क्या मौजूदा सांसद के कार्यों से कानोड़ की जनता खुश है? क्या कोई संतुष्ट नहीं है? क्या कमियां रही? कोई काम किया हो तो कमियां बताएं, काम ही नहीं किया तो क्या कमियां बताएं। गिरिजा जी ने पहले कानोड़ में, बिंडर में, वल्लभ नगर में दूरदर्शन के टावर की घोषणा की, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की। कभी आज नहीं लगा हो तो उन्होंने कचोरी और नाश्ते के 50,000 पास कराए, उसके अलावा कोई एक रुपया पास नहीं हुआ। कैसा कचोरी रहा? बस वह नाश्ता पानी उद्घाटन के, उसके बाद पैसे पास नहीं किया ना। अच्छा, बटे कचोरी और चाय के नाश्ते के लिए 50,000 पास किए। कांग्रेस के दो दो वार्ड बने, लेकिन आज दिन तक सड़क के एक पत्थर भी नहीं लगाया है, और वो खड्डे यो क्यों बने हुए हैं? अरे तो कांग्रेस के मिस्त्री के जो भाटा लगा था फिरेगा। विकास तो बीजेपी टाइम में भी हो जो, तो आप देख लो गोरखपुर कसो गए बटे बारूचो कसो गए, आप बताओ कसो गए। काले आदमी एक जन आई रोज गेले चलते तो पड़ी गए, जो हाथ टाका आया, हाथ टाका, हाथ टाका आया। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, और ये नगरपालिका का प्रशासन था, उसमें 7 बीजेपी के थे और 7 ही कांग्रेस के थे और 6 जनता सेना के थे। तिकड़म थी, तिकड़म में इन्होंने जो बेचे हैं वो सही बात है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मिली भगत है और ये सब काम नगरपालिका को डुबोने में, मैं तो ये मानता हूँ कि तीनों पार्टियों का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भारत की वित्त मंत्री है उनके पतिदेव का यह स्टेटमेंट निकल के आता है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रोल बोर्ड का जो घोटाला हुआ है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इसके लिए इन्होंने अगर पार्टी फंड में चंदा लिया होता तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का आदेश दिया जाता है, जब जाकर के 24 घंटे के अंदर उसकी सारी इंक्वायरी दी जाती है, उसके पहले उसको पब्लिक से क्यों मजमे आम नहीं किया गया अगर पार्टी फंड में चंदा लिया गया तो? अरे देने की जरूरत कहाँ है? अगर मान लो किसी चीज को उनको सस्ता करना है तो डायरेक्ट कंपनी वालों को कह दे कि ये जनता के अंदर इतने कमीशन हम देते या इतनी छूट को छूट हम देते, वो डायरेक्ट जनता को दे सकते हैं। वो ठेले भर के क्यों देते? ठेले क्यों देते? वो ठेले तो ठेकेदार है, ठेकेदार के थ्रू लेते लाते, तो ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करेगा। कल एक कुर्सी वाला आया था, 400 रुपए में कुर्सी ले लो, 400 रुपए में कुर्सी ले लो। मैंने भावता कराए 150 रुपए में देके गया, इसलिए 400 पार का कोई भरोसा नहीं है, 150 पे नहीं रह जाए। नमस्कार, मैं मयूर अलबेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार सच के तैयार। चित्तौड़ लोकसभा के कानोड़ में हम लोग आए हुए हैं, शिक्षा नगरी कानोड़ को कहा जाता है। यहाँ के जन नेता और जनता कैसा खेवनार चाहती है जनता के माध्यम से जानेंगे, उनसे करेंगे संवाद। क्या मौजूदा सांसद के कार्यों से खुश है जनता या फिर है त्रस्त और बेहाल? तो बात करते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ स्थानीय प्रतिनिधियों से। बहू जी, सबसे सीनियर लीडर आप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या मौजूदा सांसद के कार्यों से कानोड़ की जनता खुश है? क्या कोई संतुष्ट नहीं है? क्या कमियां रही? कोई काम किया हो तो कमियां बताएं, काम ही नहीं किया तो क्या कमियां बताएं। 10 साल ये सांसद रहे, कानोड़ की नगरी को उन्होंने दिया क्या है? जी, कानोड़ की नगरी को दिया क्या है? लिया तो सब कुछ है, दिया क्या है? पिछले 70 सालों से कानोड़ की जनता पिछली सरकारों के सारे प्रतिनिधियों के आगे जा जाके अपने माथे टेक टेक के, घुटने रगड़ रगड़ के उनसे निवेदन किया कि कानोड़ को 70 सालों में छोटी सी रेल जो चलती थी उसको ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये सारे लोग मिलकर 70 सालों में जो काम नहीं कर पाए, आदरणीय सांसद साहब ने अपने पहले टर्म में ही रेलवे को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन किया, और दूसरे टर्म में उसी लाइन को जो बड़ी साड़ी तक एक्सटेंड हुई थी उसको आज नीमच तक एक्सटेंड कर दिया। उसके टेंडर हो गए हैं, उसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, और आने वाले 3 सालों में आप देखेंगे कि कानोड़ पूरे संपूर्ण भारत से जुड़ जाएगा। कानोड़ संपूर्ण भारत से जुड़ जाएगा, रेल नेटवर्क को यहाँ पर बढ़ाया है। रेल का जहाँ तक सवाल आता है, मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्वीकृत हुई थी और उसका बजट भी पास हो गया था, सरकार बदल गई और इन्होंने कहा था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये रेल का काम गिरिजा व्यास ने इसको सेंक्शन दिलाई थी, इसका बजट भी दिया, उसका शिलान्यास भी गिरिजा व्यास ने किया था मावली में। अच्छा, फिर सरकार बदल गई, तो जो सरकार आएगी वो काम करेगी। इन्होंने 5 साल के पहले कहा था, जब पहले चुनाव हुए थे और दूसरे चुनाव का, हम बड़ी सादरी से नीमच तक मिला देंगे, तो हाल तक तो बड़ी सादरी से नीमच तक मिली नहीं है।
बजट कभी 25 करोड़ देते कभी क्या देते हैं, ये सेंक्शन हुई है, ये कांग्रेस की देन है। रेलवे लाइन के लिए मैं 84 से लड़ रहा हूँ, 84 से मैं जब रेलवे बोर्ड का मेंबर था 85-86 में जी, तो उस रेलवे लाइन के लिए मैं अजमेर में जाता था, बहस करता था। उन्होंने कहा कि सरकार जब चाहेगी तब होगी, आप मेंबर हो, मेंबर से कोई काम नहीं चलता है। जब मेंबर वे होंगे नहीं, वे सरकार चाहेगा तो देगा। और गिरजा जी ने चाहा और ये मुकम्मल हुआ है, ये मुकम्मल हुआ, गिरजा जी की चाहत थी उससे मुकम्मल हुआ है। भैया कहते गिरजा जी ने पहले कांदौड़ में, बिंडर में, वल्लभ नगर में दूरदर्शन के टावर की घोषणा की, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं की। कभी आगे लग लगा हो तो रेल करायो कि नहीं करायो। उन्होंने कचोरी और नाश्ते के 50,000 पास कराए, उसके अलावा कोई एक रुपया पास नहीं हुआ। कैसा कचोरी रहा? बस वह नाश्ता पानी उद्घाटन के, उसके बाद पैसे पास नहीं किया ना। अच्छा, बटे कचोरी और चाय के नाश्ते के लिए 50,000 पास किए। अरे यार भाई साहब, नाश्तो कराओ और काम नहीं करो। काम किया है बिल्कुल, शिलान्यास हमारे गिरजा व्यास जी ने करवाया है बिल्कुल। रेल लाइन के नहीं नहीं पड़ी है, साल में नहीं बात नहीं है, 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं देती थी। आज माननीय सांसद महोदय एक लोकल विधायक की तरह हर गाँव और हर डाली में जाके और वहाँ लोगों की समस्या। कानोड़ में कतरी दान आया? कानोड़ में साल में 25 बार आते हैं। साल में 25 बार आते हैं क्या? तेज आवाज में बोलो। हमारे पास आते हैं, इनके पास नहीं आते। क्योंकि सांसद इनके नहीं है क्या? ये सांसद उनके है के नहीं है? ये तो मोदी जी को अपना नहीं मानते, इसलिए सांसद को मानो के नहीं मानो। प्रधानमंत्री तो हमें आना चाहिए। कानोड़ को स्टेडियम दिया, कानोड़ को ये गार्डन दिया, अटल उद्यान दिया। गिरजा जी कई ऐसी घोषणाएं की हुई है, आज दिन तक 50 सालों में यहाँ हॉस्पिटल का जो है वही का वही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इसको मतलब रेफरल हॉस्पिटल कराया, इसको बहुत सारे ऐसे जो कार्य होते हैं, जैसे वो ब्लड बैंक के जो घोषणा की तो पूरी हुई है, एक्सरे मशीन भी आ गई और सब काम भारतीय जनता पार्टी के काम ही हुए हैं। ये गौरवपद आपके सामने दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। स्टेडियम बने, गार्डन बने, आप सब जाके देख लो, आप बने हुए एक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज में। कांग्रेस के दो दो बोर्ड बने लेकिन आज दिन तक सड़क के एक पत्थर भी नहीं लगाया है और वो खड्डे यों क्यों बने हुए हैं? अरे तो कांग्रेस के मिस्त्री के जो भाटा लगा था फिरेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनको आज जो भी किया वो दिख रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के समय में विकास हुआ है, कांग्रेस के समय में कोई विकास नहीं हुआ? कहा वैसा था, विकास कराओ क्यों नहीं? विकास तो बीजेपी टाइम में भी हो तो आप देख लो गोरखपत कश हो गया बटे बारूचो कसोगे, आप बताओ कसोगे? काले आदमी एक जन आई रोज गेले चलते तो पड़ी गए, हाथ टाँका आया, हाथ टाँका, हाथ टाँका आया। आप देखो कहा भैसा था, तेरा झूठ बोला, हाथ टाँका आई गया कहीं मना करे। अरे विकास तो इन्होंने ये किया कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों निलंबित हुए और सस्पेंड हुए। निलंबित? हाँ, तो भ्रष्टाचार में पाए गए और निलंबन हुआ और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे बेटे 5 सालों में और इन्होंने इन्होंने सुअर कांग्रेसियों ने सुअर बेच दिए, लकड़ी कमलवाल तालाब में लकड़ी बेच दी। हाँ, भ्रष्टाचार में नंबर वन और ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों ने मिलकर इतने नेता प्रतिपक्ष जी। हाँ, ये भटूरा क्यों बेचो? किसने बेचा हमें पता नहीं, हमें इसकी कोई जानकारी। एक एरिया है क्या बेचिए, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। किसने बेचे? राजस्थान पत्रिका में इनका पूरा न्यूज यही है। कानोर में सुअर बेचने के मामले में और बबूल के पेड़ जो काटे, अनाधिकृत बबूल के पेड़, उनको बेचने के मामले में अभी भी परिवार दर्ज है। चलो एफआईआर दर्ज है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और ये नगरपालिका का प्रशासन था, उसमें 7 बीजेपी के थे और 7 ही कांग्रेस के थे और 6 जनता सेना के थे। तिकड़म थी, तिकड़म में इन्होंने जो बेचे हैं वो सही बात है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार बाबूजी के लिए ताली देखो, ईमानदारी का परिचय दिया बाबूजी, ताली बजाओ, ताली। सबकी मिलीभगत है और ये सब काम नगरपालिका को डुबोने में, मैं तो ये मानता हूँ कि तीनों पार्टियों का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए कि अपन लोकसभा के लिए स्वस्थ बहस करें तो विकास के क्या मुद्दे होने चाहिए? कानोड़ को कुछ मिला के नहीं मिला? सांसद मत से कितना काम हुआ यहाँ पर अभी तक? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है,
देखो बाबूजी, एक मैं भी देखियो, झूठ बात नहीं, बस स्टैंड पे विश्रांति गृह तो मैं देखियो, सीपी जोशी। अरे तो 10 साल में एक सीपी जोशी ने 5 लाख का काम दे दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो काम हुआ है मानेंगे। सीपी जोशी भी बड़ी सादगी से नीमच तक रेलवे लाइन मिलाने में कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको भी धन्यवाद देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस का मतलब ये नहीं कि हम विरोधी करें, काम हुआ है उसको मानते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो आज की तारीख में भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बड़ा है, तो ये भ्रष्टाचार की पार्टी ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। अरे तुमने करोड़ों रुपए कमाए इसमें और लोगों को फंसा फंसा करके आपने पैसे वसूल किए हैं। उसने क्या नाम, वीरेंद्र राठी, वो शरद राठी जिसको जेल में डाला, उसको बना दिया आपने गवाह के रूप में, उससे 5 करोड़ लिए, फिर उसको छुट्टी दी, कमर में दर्द कर रहा है उसको तो आपने छुट्टी दिला दी और फिर 55 करोड़ रुपए और ले ली। तो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है कि नहीं है? भाई साहब एक बात बताई दो मैंने, आप मुँह अबे कौन जवाब देगा, सब खतरनाक आदमी कौन है? कहाँ खतरनाक, अबे बताओ, ये जो कह रहा है कि थाने पे लेना वे था कन्ने पकड़ो यूं ले चाल भाई जेल में, पचे था क्यों कि अबे तू चंदो दे तो छूटेगा बाकी तू महीने हट, ये कई बात हुई। बहुजी हमारे वरिष्ठ कानोड़ के सबसे सम्मानित नागरिक हैं, एक निवेदन मैं इनसे करना चाहता हूँ, कोई पार्टी घोषित रूप से किसी व्यक्ति से लिखित में अपने खाते में चंदा ले रही है वो वैध है कि अवैध है, आप बताओ? वैध है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी 70 सालों तक 20-20 हज़ार रुपये की ये पॉलिसी थी कि 20 हज़ार रुपये का जो चंदा देगा उसका नाम उजागर नहीं करेंगे, और अरबों रुपये के चंदे 20-20 हज़ार रुपये टुकड़े टुकड़े में लेती थी, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए कांग्रेस की पार्टी ने खोखला करने और सभी उद्योगपतियों को लूटा 20-20 हज़ार रुपए के टुकड़े टुकड़े में। मेरा निवेदन है, किसी ने 50 करोड़ भी दिए तो पार्टी के खाते में दिए। अब मैं 50 करोड़ देना चाहता हूँ या मैं 5 रुपए देना चाहता हूँ, पार्टी के खाते में किसी को क्या तकलीफ है? अच्छा अब एक इन्होंने, आप इनकी बात से सहमत नहीं हो कि भाई आप कह रहे हो कि अगर कोई काम, तो कांग्रेस ने चुनाव कैसे लड़ा है? कांग्रेस ने अपने वाइट में एंट्री है, इसका मतलब वो सही है। व्यक्तिगत मेरा तो ये पूछना है कि कल तक जो मालविया जी भ्रष्टाचारी थे, आपके बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष ने लिख के दिया कि भाई भ्रष्टाचारी है, 3300 करोड़ का इन्होंने भ्रष्टाचार करा, उनके ऊपर कार्रवाई करो, और कुछ ही महीनों बाद वो आपके उम्मीदवार बन जाते हैं, वो बात साफ हो जाते हैं। क्या मालविया जी के पार्टी में आने के बाद उनकी कार्रवाई बंद हो गई क्या? अगर बंद हो गई हो तो बताओ, कार्रवाई हो सकता है? कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर चलेगी। सिर्फ आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, मोदी जी 2014 में, अभी साबित नहीं हुआ, अभी तक रनिंग में केस, अगर जब साबित हो जाएगा उस समय हम निर्णय ले लेंगे। और बाकी निर्णय तो सही है, चोर हो जाता है, कांग्रेस में था जब तक चोर नहीं था क्या? नहीं चोर था, भारतीय जनता पार्टी में जैसे सतीश अग्रवाल की, वो चोर हो गया, पहले चोर था, उससे पहले चोर कहा था, आपने नहीं पकड़ा, आपने कार्रवाई करी क्या? पुलिस वालों को आपकी सरकारों ने कार्रवाई नहीं करी, आप चाहती कांग्रेस सरकार कार्रवाई करके उसको जेल में डाल देती। अब इनका भी बात पॉइंट बाजी में बहुजी, आप बताओगे मालविया जी 3300 करोड़ का घपला करा था, तब आपकी सरकार में मंत्री थे वो, आपके मंत्री रहते सबूत के तौर पे मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए आप। सीतारमण जी जो आज की केंद्रीय वित्त मंत्री है, केंद्र सरकार की वित्त मंत्री है, उनके पतिदेव हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला इस हिंदुस्तान में हुआ है वो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उनका स्टेटमेंट ये है, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके पतिदेव का यह स्टेटमेंट निकल के आता है कि हिंदुस्तान में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ है ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इसके लिए इन्होंने अगर पार्टी फंड में चंदा लिया होता तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का आदेश दिया जाता है, जब जाकर के 24 घंटे के अंदर उसकी सारी इंक्वायरी दी जाती है, उसके पहले उसको पब्लिक से क्यों मजमे आम नहीं किया गया अगर पार्टी फंड में चंदा लिया गया तो? इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि ये पार्टी, इस पार्टी के अंदर जो आदमी चला जाता है वो आदमी इनके पास में गंगा जल छिटक के उसको पवित्र कर दिया जाता है, वो पाक साफ कहलाता है, और जो आदमी इनकी पार्टी में शरीक नहीं होता है उसको चोर और बदमाश साबित किया जाता है। और अगर उसके अंदर पार्टी के बदलने के बाद जाने के बाद भी
बाद भी अगर उसकी कोई कार्रवाई चल रही है तो उसको पेंडिंग फाइल कर दिया जाता है, उसको समय रहते हुए क्यों नहीं उसकी कार्रवाई होती है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सभी डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीनस्थ हैं, क्यों नहीं उनसे कार्रवाई उस वक्त में कराई जाती है, उसको लंबित क्यों कर रखते हैं। आपकी सारी बात मेरे आपकी सारी बात मेरे समझ में आ गई कि निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड ने बोला कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला, पर निर्मला सीतारमण जी का हस्बैंड है कई अरे हिंदुस्तान में कई है, आई जी है के पुलिस वाला है, इकोनॉमिक्स है। अरे तो हाल बना रहे, जांच हुएगा तो घोटाला खुलेगा, आप पहले ही बना दोषी मान ली दो। अरे घोटाला तो हम बता रहे हैं, दोषी नहीं है, उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, ये इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्य है। तो वित्त मंत्री के पति कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सत्य है, के पति ये बात कह रहे हैं तो घोटाला तो हुआ हो रहा है ना कहीं ना कहीं, बहुत बड़ा सत्य है जिसको छुपाया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उजागर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उजागर करो, मोटा मोटा घोटाला क्यों करो पहला तो ये बताओ। ये सब बातें सड़क चौराहों की है, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, जाओ कोर्ट में, बीजेपी ने तो कोर्ट लड़ा रही उनके लिए रही है, तब समझना है, झूठी बातें, झूठी बातें कोर्ट सुनेगी क्या, झूठी बातें कोर्ट सुनेगी क्या। अरे एक सेकंड, अबे एक सेकंड, अबे कुछ नारे 4 तारीख के लिए बचाओ ना भैया यार। अबे हमारी बात सुनो, क्या कह रही है कि कोर्ट में चले जाते हैं, राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया था, दिया कि नहीं दिया, कोर्ट ने दिया, तो फिर आप कैसे कहते हो कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया, चंदा किसने दिया, जनता ने दिया कि नहीं दिया, तो फिर मोदी जी ने कैसे बनाया। ये लोग मानते हैं क्या कि कोर्ट ने बनाया, मानते थे पहले, ये क्यों नहीं गए, अगर ये मानते हैं कोर्ट ने बनाया, बता रहा हूँ ना, अगर ये अगर जैसे मालवीय जी का फैसला लंबी चल रहा है, वैसे राम मंदिर का फैसला भी लंबी चल रहा था। कोर्ट में सारी कार्रवाइयाँ सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, 70 सालों में कांग्रेस सरकार थी, 10 साल लग गया, आपने भी 10 साल लग गया, तो लगे 70 साल में 10 साल कम होते हैं, 70 साल ज्यादा कम होते हैं, जो काम 70 साल में नहीं कर पाए वो इन्होंने 10 साल में कम कर दिया। 10 साल आपके मकान को बनने में लगते हैं, 10 साल आपके मकान में उड़ा लग रहा है, राम मंदिर उड़ा में 10 साल। एक सेकंड, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 80 साल। 80 साल की उम्र है, आप यदि छोटा 5-10 वर्ष रहा, यदि भी मकान बनवाना 10 साल लागता है, गई साल 2 साल में बन जाए, साल 2 साल में बन जाए, हाँ सो कसो मकान बन रहा, व्यक्तिगत मकान में राम जी मकान कंपेयर कर रहा हूँ, आपने व्यक्तिगत मकान ने राम जी मकान कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं मारा मकान 10 साल लगा, धीरे बनाया मैं, एक गीता बनाया हूँ, भैया बिना क्रिकेट बनाया हूँ, सुनो भैया मारा मकान 10 साल लगा, सुनो अग्रसर जी का मंदिर बन रहा है 20 साल से बन रहा है और 10 साल और लगेंगे, मंदिर और मकान में बहुत अंतर होता है भैया, मंदिर तो कम्प्लीट हो गया, अरे कम्प्लीट हो गया ना, क्यों नहीं हुआ, हाँ कतरा देने भी हो, ये भी कोर्ट का आदेश है 2-2.5 साल में, 2 साल में हो गया, हाँ तो एटलीस्ट फास्ट वे भी काम कर सके, हाँ क्यों इन्होंने किया ही नहीं है, सनातन विरोधी है ना, दिल्ली बॉम्बे, ये तो दिल्ली बॉम्बे एट लाइन जो रोड बनाया, भारत का गौरव बढ़ाया, ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, रोज नहीं रोड के लिए ईमानदारी से श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी हो गए, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश को अच्छा जीना सिखाया, परमाणु प्रोग्राम कांड करके देश की गौरव बढ़ाया, अगर भारतीय शक्ति बनाई है, अगर भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी बोलती है और जो सनातन विरोधी बोलते हैं उनका सहयोग करती है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आपके सांसद वापस तीसरी बार यहाँ हैट्रिक मारते हैं तो कानोड के लिए ऐसी 2 सौगात क्या रहेगी आपकी पार्टी की तरफ से? कानोड के लिए स्कूल, एक तो केंद्रीय विद्यालय और एक रेलवे के लिए वापिस दिल्ली तक लाइन ब्रॉड लाइन। अरे नीमच हुआ एमपी इंदौर जाएगा, डायरेक्ट दिल्ली जाएगी। एक अगर मतलब ये तीसरी बार सीपी जोशी जी सांसद बनते हैं इस क्षेत्र से, तो उदयपुर से लेकर के नीमच तक जो ब्रॉड गेज लाइन है वो इलेक्ट्रिशियन होगी और वो इलेक्ट्रिक लाइन बनकर के पूरे भारत को जोड़ेगी, जो कि सबसे बड़ी सौगात होगी, सबसे बड़ी सौगात होगी। तो चालू हो गई है, इलेक्ट्रिक चल रही है। आप ये बताएं, आप ये आप मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी थी उसमें, तो उन्होंने 4 गारंटी दी थी, एक तो एजुकेशन गारंटी, एक हेल्थ की गारंटी,
और एक ये नरेगा की गारंटी, एक स्वास्थ्य की गारंटी, ये चार गारंटी दी मोदी जी ने। 14 में जो गारंटी दी, दो करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में जमा कराएंगे, किसान की आमदनी दूनी करेंगे, MSP लागू करेंगे, तो इन्होंने कोई लागू की है क्या अभी तक? दो करोड़ नौकरियों का जो 2014 में आपने घोषणा पत्र में वादा किया था हर साल देने का, उनका क्या हुआ? किसान की आय दुगनी करने का वादा करा था, उसका क्या हुआ? MSP दुगनी करने का वादा हुआ था, उसका क्या हुआ? एक मिनट रुक जा, जो अणा पूछना है। ठीक है, तो आपने प्रश्न गलत किया। क्यों? कि अगर CPG जीतेंगे तो होगा क्या? अरे CPG तो जीतेंगे ही है, और 2 करोड़ नौकरियां मिल गई है, आप गिन लो, ये आपका विषय। एक मारी बात, आपको 2000 मिल गई है। मुगलारी सेना बहुत बड़ी है, पर वे महाराणा प्रताप जदि हल्दी घाटी में लड़िया है, वनारी फाइल भी निपट गई। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है। हम धरती पे, हम धरती पे काम करने वाले हैं, और स्वाभिमान जी कार्यकर्ता है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। स्वाभिमान की बात तो राजपूतों ने कर दी, वोट आपका विरोध कर दिया हर जगह, राजपूतों ने विरोध किया, क्यों नहीं करा? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उदयपुर के अंदर, तमाम बीजेपी को वोट देने की अपील करी उन्होंने। 2 करोड़ की बात मैं करता हूँ, 2 करोड़ की। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने विरोध किया क्या? क्षत्रिय सेना ने विरोध किया क्या? महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने, मेवाड़ का कौन, मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा ने विरोध किया क्या? चित्तौड़ के राजा ने विरोध किया क्या? क्षत्रिय सेना ने विरोध किया क्या? करनी सेना ने विरोध किया। करनी सेना का नहीं है, करनी सेना ने विरोध किया होगा, अपने हिसाब से किया होगा। क्षत्रिय समाज का कोई विरोध नहीं, क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय है, लड़ने वाले क्षत्रिय है, और हमें फक्र है, गर्व है उन पर जी। लेकिन समस्त क्षत्रिय का विरोध नहीं है। 2 करोड़ का जवाब दो आपको, 2 करोड़ नौकरी देने की बात। अरे लगे नौकरी, सबके लगे, हिसाब लगाओ। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में विजयी हुई, उसके बाद में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी, हाँ नौकरी की बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी की बात करता हूँ। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, और जब भ्रष्टाचार से पैसा अगर लोगों के घरों में जाता है या लोगों के व्यक्तिवाद में जाता है, तो उन्होंने उसके बाहर निकलवा करके उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाया, लोगों को काम देने के लिए फैक्ट्री खुलवाई, तो सारा पैसा वो गया, तो उसके बाद में लोगों को उससे नौकरी मिली है। सरकार की जितनी नौकरी मिली थी वो तो मिली जब मिली है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी मिल करके जो 2 करोड़ का वादा किया वो पूरा किया, और उसके बाद में महंगाई के लिए मैं आपको कहता हूँ कि कहाँ महंगाई है। 2014 के पहले जो विधायक, जो सांसद, जो पैसा लेते थे, क्या 2024 के अंदर वो पैसा लेना चाहते हैं वेतन का? क्या जब वो नहीं लेना चाहते हैं, तो इसी तरह से वो पैसा आकर के 2014 में अगर हो रहा है, तो महंगाई तो ये इंटरनेशनल भाव चलते हैं उसी के हिसाब पे होती, किसी प्रकार की कोई महंगा नहीं है। और नजर में हम बिल्कुल स्वर्ग में रह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ, ये तो राम जाने इनको क्या पता कौन सा चश्मा लगाते हैं, इनको महंगाई भी नहीं दिखती है, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए हैं सबको। आप बताइए कि भारत का युवा क्या रोजगार से, मतलब रोजगार की बात कर रहे हो? इस भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आपने ग्रुप का नाम सुना होगा, सारा इंडिया का नाम सुना है। उन 15 लाख लोगों को बेरोजगार किया है इस BJP सरकार ने, और इन कमजोर गरीब लोगों की हाय जेल रहा है। उसने वादे किए थे यूपी में, यहाँ राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े वादे किए थे कि हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार राजस्थान में आने दो, यूपी में आने दो, एक एक सारा के लोगों का पैसा मैं ब्याज चुकाऊंगा। किनसे लोगों को पैसा दिया? लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए और खर्च करा दिए ऑनलाइन फॉरम में, और किसी का पैसा आया क्या? ऐसी सरकार भ्रष्ट सरकार, वो अमित शाह जी वो भाषण दे रहे हैं, अमित शाह जी भाषण दे रहे हैं। एक एक गरीब लोगों का पैसा, मैं सहकारी उपभोक्ता, मैं सहकारी समिति का अध्यक्ष, एक एक लोगों का पैसा दूंगा। कौन से लोगों को पैसा दिया है? लोग भूखे मर रहे हैं। बताओ भाई साहब, इन एजेंटों ने, दलालों ने गरीब और जो मतलब कमजोर व्यक्ति के थे उनके जबरदस्ती कमीशन के पक्ष लेने, कमीशन लेने के लिए वो पैसा जमा कराया। पैसा जमा कराने के ऐसे बहुत सारे, अब आप बताओ 90 हज़ार रुपये का
पांच साल में 2.5 लाख रुपए कौन सी कंपनी वापस देगी, कैसे कहां से देगी? भ्रष्टाचार ये कंपनियों वालों ने किया क्या? भ्रष्टाचार तो इन कंपनियों वालों ने, और ये मनमोहन, ये कभी कहीं चल रहा है मनमोहन सिंह के टाइम से। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ, एक मिनट मुझे एक बात बता, कहीं से भी हुआ पर गरीब व्यक्ति का पैसा गया उसके लिए पुलिस अमित शाह जी के पास है। ये सुनो भैया, एक एक पैसा दूंगा सारा इंडिया वालों को, कब देंगे बता दो। ये वीडियो अमित शाह जी का, ये आयो कहीं कहना है चालू हो गया ना, बहुत सारा वो मिला है 10,000 20,000 10,000 हर महीने 10,000 दे रहे नई घोषणा, हर महीने 10,000 रुपए दे रहे हैं, यू कह रहे हैं हर महीने। मेरी बात सुनो, एक बात और कहता हूँ मेरे, अरे खाली थैला दे रहा, खाली थैला। मैंने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के कार्यकाल में चिरंजीवी बीमा कराया, 800 रुपए मैंने किस्त भरी है, और जब मैं अभी बीजेपी सरकार में इलाज कराने गया तो चिरंजीवी बीमा कुछ नहीं है, जो 800 रुपए भरे कुछ नहीं है, क्यों नहीं भरे? 800 रुपए सरकार को दिए, इलाज क्यों नहीं कर रही है सरकार फ्री में, क्यों नहीं कर रही है? चिरंजीवी बीमा जीरो क्यों कर दिया? 800 रुपए बने मैंने, अरे बना भी इच्छा भेगी, ऐसा थोड़ी इच्छा, ये भ्रष्टाचारी हो रहा है। क्या भाई साहब, प्राइवेट हॉस्पिटल उदयपुर के वो 200-250 करोड़ उनके बिल बनते सालाना, और वो है ना मुख्यमंत्री को 50-50 करोड़ देके अपना बिल पास कराते। चिरंजीवी में भारी घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है। आयुष्मान में नहीं है, आयुष्मान में बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, घोटाला नहीं आयुष्मान में। कहीं आप भारत में पूरा प्रॉब्लम, अबे वड़ा रे एक प्रश्न का जवाब दो, आम जनता पूछियो है के वे भरिया लगा थैला दे रहा है, बलिवणी में ईंट रो बुरा तो दे रहा है, पर भरिया लोग दे रहा था खाली क्यों दे रहा? हमको भ्रष्टाचार से तो हमने मुक्त करवाया है और करवा रहे हैं। अरे तो खाली थैला देने भ्रष्टाचार मुक्त होगा कहीं? तो भर के भी देंगे, अभी खाली करा हुआ है उसको भरेंगे तो टाइम लगेगा। अरे वो खाली दे ले, खाली थैले या भरे थैले? अरे एक मिनट में, अरे देने की जरूरत कहाँ है? अगर मान लो किसी चीज को उनको सस्ता करना है तो डायरेक्ट कंपनी वालों को कह दे कि ये जनता के अंदर इतने कमीशन हम देते या इतनी छूट हम देते, वो डायरेक्ट जनता को दे सकते हैं। वो थैले भर के क्यों देते हैं? थैले क्यों देते हैं? वो थैले तो ठेकेदार है, ठेकेदार के थ्रू थैले दिलाते तो ठेकेदार अपनी मर्जी से जो काम करेगा। थैलों में भारी भ्रष्टाचार किया गया। अरे पर खाली क्यों दे रहा? खाली किसने दिया? हमने जनता को, सुनो, सीधा जनता की जेब भरने की बजाय हमने, आदरणीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं, एक मिनट, राजीव गांधी जी ने कहा था मैं 1 रुपया डालता हूँ जनता तक 20 पैसा पहुँचता है। इनके ये थैले वाले और रोकड़ पैसे वाले भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए नरेंद्र मोदी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपने ग्राहक के खाते में डालना ट्रांसफर किया, या थैले वेले बांटना हमारी सरकार निश्चित रूप से बंद करेगी। ग्राहक है जो जिसके पास जाएंगे उसके ग्राहक है, ग्राहक नहीं है देश का नागरिक है। नागरिकों के खाते में पैसा डालना शुरू किया उसको डीबीटी कहते हैं, और खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं। इनके थैले वेले जाए मर्जी जिसको, उच्च क्वालिटी का माल उपयोग करें, जो ये थैले कंट्रोल के माध्यम से बांटते हैं उसमें एक बार फर्स्ट में 17,000 सैंपल उसके फेल हो गए, वो सारे वापस देने पड़े और सारे नए बनवाने पड़े। वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए ही डीबीटी का चालू किया है, इनको इनकी जानकारी को पूर्ण करने के लिए जानकारी मैं इनको देना चाहूँ। चलिए, तो हमारे पिछली जनता दरबार के हीरो आ गए चुके हैं, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताओ कि इन्होंने काफी इंजाम लगाया कि सारा इंडिया के पैसे अभी तक नहीं आए लोगों के, कानोड़ की बहुत सारे जनता के पैसे बाकी हैं। कांग्रेस के समय नहीं थे क्या वो एक चीज? ये सब चीज सारा कांग्रेस के समय के थे, सारा कांग्रेस के समय से था, सारा कांग्रेस के समय से था। एक सेकंड, कांग्रेस में हुआ, मैं कह रही हूँ कहीं औरत रो बलात्कार कांग्रेस राज में हुए, पर वरने इंसाफ दिलावरी जिम्मेदारी तो बीजेपी ने है। कानून इंसाफ देगा उसको, कानून इंसाफ देता है उसका। तो कभी देगा वो कानून? बहुत ये तो जज देगा, क्या जज देगा इंसाफ? जज देगा, सरकार थोड़ी देती है इंसाफ, जज देता है। तो जज कब तक आप ये जज का जो होगा एक एक लोगों का एक एक रुपया जो गरीब का पैसा है वो एक एक रुपया घर पहुँचेगा। और अमित शाह जी ने इस पहल में लोगों का टुकड़ों टुकड़ों में पैसा डालना शुरू कर दिया।
कर दिया। अरे एक मिनट, अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। आज 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 भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बाद मोदी सरकार ने जितनी भी मल्टीपर्पज कंपनियां थी सब बंद कर दिए और गरीबों का पैसा आज किसी भी मल्टीपर्पज में नहीं जाता है। और उसके बाद कांग्रेस राज में दिया ना पैसे खा के, पैसे दिया कांग्रेस राज में और भ्रष्टाचार करने का उसको डुबा दिया। भैया खाई ने अपने राज में भगी नहीं, कोई नहीं, कौन बस किस समय सारा काम भगी, वो जेल में डाल लगा उसको। जेल में किसने डाला? आज मरेगा वो। आज जेल में किसने डाला? पर बाटिया नहीं हालता, बांटना चालू कर दिया है, 10,000 रुपए बांट रहे हैं। मर्डर हुआ उदयपुर में, जेलम जेलर्स का आज दिन तक कोई पकड़ा है या? खेलो चार जना पकड़ा गया चार। अरे क्या हुआ है, पकड़ा गया चार जना। ऐसा है मैं बताऊं आपको कि भाई ये वादा कर रहे हैं कि सारा का पैसा हम देंगे, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि भाई गरीब आदमी का पैसा मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब मिलेगा? जब 25 लाख करोड़ रुपया उसने खाते में जमा कर रखा है, सरकार को दे रखा है, तो वो पैसा तो दे यार। भाई साहब ये तो गलत है, अगर 25,000 करोड़ आपके खाते में जमा है तो आप सबकी भी नैतिकता है कि आप कानोड वासी हैं, पहले मेरी बात समझो। ये सब डिबेट एक तरफ, आप कानोड वासी, कानोड के जनप्रतिनिधि हैं, आपका भी यहाँ के लोगों का पैसा है, तो आपको भी अपील आ गया, करनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सहारा का पैसा दिया जाएगा। मुझे विश्वास ना, मेरे 2,00,000 रुपए आ गए हैं तो आप आगे आगे अगर इनके 2,00,000 रुपए आ गए तो मैं पक्का कांग्रेस ही कहता हूँ। अगर अगर ये मैं पक्का कांग्रेस ही कहता हूँ, इनके 2,00,000 रुपए आ गए तो मेरा मत इस बार बीजेपी सरकार को जाएगा। प्रूफ बता दे यहाँ लाकर, नहीं तो ये कांग्रेस को दे, नहीं तो ये कांग्रेस को मत एक सेकंड। आप नाम कही, आप शुभ नाम बताओ। मेरा नाम उसी बताऊंगा, सारे पैसे आ जाएंगे। अरे पहले हमारी बात तो आप सारा इंडिया का पैसे को लिए सबसे पहले मुद्दा उठाया था सीपी जोशी जी ने संसद में, उन्होंने ही मांग की और उसके बाद ये सब कार्रवाई चालू हुई है। और ये हमने सीपी साहब के लिए मांग हमने कानोड वालों ने सीपी साहब के सामने उठाई, हमारा लोगों का बहुत सारे लोगों का सारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। यदि तो आप 7 पार्षद, हाँ, जनता सेना रहा 6 पार्षद और कांग्रेस रहा 7 पार्षद मिलने तो भडूरा बेच रहा। यदि सीपी साहब भाई हमारे साथ नहीं थे, चेयरमैन कांग्रेस की थी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी कांग्रेस का था, उन्होंने किया था, हमारा कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष के पार्षद कुछ काम कर सकते हैं क्या? गजब बात कर रहे हो यार, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जेल भिजवाने में सहयोग किया, चेयरमैन गए और वाइस चेयरमैन जेल गए, एक महीने तक जेल में रहे, एक महीने तक। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, मतलब अपन भ्रष्टाचार सामने मिलकर किया, वो कैसे हो गई यार? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद है सबने विरोध किया है और उनको जेल भेजा है और हटाया उनको। चलो हटाया बाबू जी, आप बताओ कि यहाँ पर कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखो विकास अभी तो कहीं वैसे नहीं लग रहा है, ये मानो नल पाइप ही ना किया है तो ये भी मानो काम सही नहीं हुआ। देखो अपन तो साफ बात कहते हैं, और पाइप कहता है कि लोखंड का डाल दिया, वो रबड़ का डाल दिया, वो लोखंड बताइए रबड़ रहा। हाँ अभी पाइप ना की था प्लास्टिक वाला, प्लास्टिक तो वही थे। नहीं ऐसा नहीं है, लगा तो लोहे की लगे है, लोड़ा रबिया नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है ये तो। और वो जो काम लिखा भाऊजी, वे तो आम नागरिक है, आप कड़ी पार्टी हो गई। मैं किसी पार्टी हूँ, अपने कोई लेना देना नहीं है पार्टी से, अपने कोई लेना देना नहीं। आप आम इंसान हो, बिल्कुल आम नागरिक कह रहे थे तो वो तो झूठ नहीं कह रहा। आप इस पर जवाब दो भाई साहब। हाँ बताओ, एक सुनो भाई, हाँ पूरे कानून में लोहे के पाइप डाले गए हैं, अपने को वर्क ऑर्डर में जिस शेड्यूल में क्या गाइडलाइन है उसकी जानकारी नहीं है, ठेकेदार को इसकी सारी जानकारी है। अगर ऐसी स्थिति है तो बहू जी यहाँ बोलने के बजाय प्रशासन को कंप्लेन करें, प्रशासन को अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे और अपन यहाँ बात करेंगे वो उसका समाधान नहीं है। पाइपलाइन निश्चित रूप से प्लास्टिक की भी डाली गई है, पर मैंने जहाँ तक देखा है वो कहाँ डाली गई है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ लोहे के पाइप ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं, या ऐसी कई जगह जहाँ बीच में चट्टान आ रही है उस जगह पर निश्चित रूप से प्लास्टिक के पाइप डाले गए हैं, परंतु वो उस जगह की डिमांड है,
समझ रहे हैं आप? तो अगर आपको इससे शिकायत भी है तो प्रशासन में जाके शिकायत करें, यहाँ उसका समाधान तो नहीं होगा। अच्छा इसके लिए, अरे भाई साहब था अतरा कहीं बोल रहे हो यार, सुबह के चमान प्रास खाओगे यार। हाँ हाँ इसके लिए क्या है, मैं आपको कहता हूँ जी शेड्यूल के अनुसार जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार ठेकेदार काम कर रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ हो तो एक्शन एसी आईएन उसके लिए जिम्मेदार है। जब उन्होंने विरोध नहीं किया है तो जनता विरोध क्यों कर रही है उस बात का? वरना ने कहीं मल गया होगा तो विरोध क्यों करेगा? तो उसके बाद में अगर मान लो कोई भी गलत है तो इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा, अगर जनता अगर कहेगी तो ठेकेदार जिम्मेदार पड़ेगी। नहीं नेता क्यों, एक्शन है आईएन वो तनखा लेता है, उसको उसको सरकार ने बिल्कुल रख रखा है चौकीदार की तरह रख रखा है कि आप काम देखोगे जनता का, जब उनके जी शेड्यूल के अनुसार काम होगा तभी वो पेमेंट का भंडारी। समस्या है आपने हमें नहीं कहनी है, नहीं नहीं कहो ना उसमें क्या हो गया, अगर गलत होगा तो हम ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे। तो अबे वे कर रहे था विरोध कर रहा, अरे बात बात सही है, अपने अबे साथ कहीं कार्रवाई करोगे? अबे हम कार्रवाई करोगे, बात करेंगे हमारी जनता कौन कुछ कहेगा? ये कतरा जनता का अपने खाई पड़ी रही पाजी राखी आएगी, ये है कि ये वर्तमान पार्षद झूठ नहीं बोलते, वर्तमान पार्षद है भाई साहब, नेता प्रतिपक्ष नहीं आना काम नहीं कर सको यार। करवाया मैंने जेईएन को और संबंधित अधिकारी को, इस संबंध में कहा था, मैंने शिकायत भी की थी और सुधार भी किया है, सुधार के लिए बोला था और सुधार भी किया था। सुधार हुआ क्या? हुआ सुधार हुआ, पाइप कैसा डालिया, कैसा डालिया, मतलब जहाँ पे लंबी डिस्टेंस है वहाँ पर प्लास्टिक के डाले गए, जहाँ पर छोटी छोटा एरिया है वहाँ पर लोहे के पाइप डाले जा रहे हैं। तो कानोर के 500 किलोमीटर तक फैले हुए लंबी लंबी रोड है वहाँ पर, जहाँ पर मुड़ावे वहाँ पर प्लास्टिक के पाइप डाले जा रहे हैं, जिस शेड्यूल में काम किया जा रहा है। अंत में मैं एक निवेदन ये करूंगा कि 25 सीटें हैं कांग्रेस यहाँ राजस्थान की, अब कितना भी चिल्लाओ सब कुछ करो, मैं तो आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि कांग्रेस की 12 से 15 सीटें आ रही है, ये बीजेपी वाले चुप हो जाएंगे, 400 पार के बजाय 200 पार भी नहीं कर पाएंगे, इनके जुमले जो है मोदी जी के वो मोदी जी जुमले ही रह जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और जो मीडिया नहीं बोल रहा है लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है उसमें से 12 से 15 सीटें कांग्रेस की आ रही है, इसमें कोई पार्टी जिंदाबाद। मैं बहुजी को धन्यवाद देता हूँ, कानोड़ में कांग्रेस के वट वृक्ष हैं। अरे अभी अपन कर रहे हैं ना, कानोड़ में कांग्रेस के वट वृक्ष हैं और कानोड़ में कांग्रेसियों की हौसला अफजाई के लिए ये अपने मन की जो बात ऐसे ही फालतू बात है वो व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 25 से 25 सीटें जीतने जा रही है, खुद भी मन में स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इनको पता होता तो इन खुद से पूछो कि इन्होंने कितनी मेहनत कर ली फील्ड में जाके, क्योंकि सब अपने आप घर पर जाके सोए हुए हैं कांग्रेसी अच्छे अच्छे कि कोई मतलब नहीं है मेहनत करने से, हम 400 के लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे और राजस्थान से 400 ज्यादा। ये आप बताओ क्या यहाँ पर काम सांसद जी ने कराया कि नहीं? करवाया ना, कितना काम? बहुत सारा काम हुआ है और ये अपने ट्रेन का भी चल रहा है, अच्छा हुआ है, अच्छा काम हुआ है। हाँ चल भाई साहब, लास्ट बात कहना चाहूंगा, पहली बात कहना चाहते हैं आप, लास्ट कहना चाहते हैं? मैं इन मुद्दों से अलग हट के बात करना चाहता हूँ। हाँ एक बार मुद्दों से हट के, एक मिनट, इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ सर। सीपी साहब 10 साल से हमारे एमपी हैं, अभी बोले हर महीने 30 बार यहाँ आते हैं या 25 बार आते हैं या 20 बार आते हैं, हमने तो नहीं देखा उनको। सेकंड बार अब जैसे कि अब डर क्या के जीत है, अब जैसे कि महाराज साहब को बीजेपी में ज्वाइन किया तो डर तो है ना, कौसा साहब ने रणजीत सिंह भिंडर। सेकंड बार अखिया साहब को उनको डर तो है ना, डर क्या के जीत है, हम ये गारंटी मोदी जी देते, हम ये वल्लभ लोग देते थे कि अब की बार 2 लाख से ऊपर लीड दिलाएंगे राजेंद्र साहब को। हम इतने नेताओं को पार्टी में लाए, आपके साथ कोई आने को तैयार भी है क्या? आप लाओ साथ में, कोई आने को तैयार होता डूबते जहाज में कौन बैठना चाहता है? अरे डूबती नहीं है, नहीं है यार, डूबती नहीं है, थाने पास सीबीआई ईडी सब है, सीबीआई मेरे बड़ी को यूं करो, एक सेकंड बाबू जी दीजिए, हां क्या ए मालवी आई जा लेट दिखाओ था, इसका मतलब 50 सालों से कांग्रेस ने यही किया क्या? आप यूँ कहना चाहते हैं पहले कांग्रेस ने 50 सालों से राज किया, सीपीआई सब थी ना उनके पास भी, बीजेपी के कितने था कांग्रेस में गए थे बताओ? मैं एक बात बता रहा हूँ, कांग्रेस एक आज हर नेता बीजेपी में क्यों जा, भविष्य भारतीय जनता पार्टी का उज्ज्वल है और वो मोदी जी के सारे
पूरा राम विश्व में मारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, पचास ठाकुर का मैं भी बीजेपी ने वोट दे दूंगा। नहीं आपको एक टोकरा में कैपेसिटी 50 एप्पल रखवारी है, था मणि में 150 एप्पल रखोगा तो 100 तो पड़ेगा ही जाएगा। ऐसे पड़ेगी भारत माता का दूसरी एक और लेंगे टोकरी उसमें रखेंगे आते कितने भी एप्पल रखो एप्पल ही सज गई है। एप्पल ही सज गई साइज 50 भाई से क्या साइज कहीं भी वो हमारे पास तो जादू है माया भी है वहाँ टोकरा बड़ो कर देगा टोकरा बड़ो कर देगा। आप सही में प्रश्न पूछ रहा हूँ क्या राजस्थान के एमएलए ही हमारे जैसे वल्लभ नगर का जो एमएलए वही जनप्रतिनिधि होता है कि हमारे चित्तौड़ के जो सांसद है वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं? चित्तौड़ के सांसद आपके जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है तो हम पिछले 7 सालों से धूल खा रहे हैं, अंधेरों में रह रहे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, तो क्या हमारे एमएलए जो पिछली बार प्रीति कुमार एमएलए थी क्या उन्हीं का काम है वही ध्यान देंगे? क्या सीपी जोशी जी हमारे जो जनप्रतिनिधि है तो क्राइटेरिया डिसाइड है तो क्या अगर एमएलए नहीं सुन रहा है एमएलए नहीं सुन रहा है तो क्या हमारे सांसद महोदय इन समस्या की ओर ध्यान अग्रसर नहीं करा सकते? नाली के लिए नहीं कह रहा हॉस्पिटल फोन कर दो तो वो तो नहीं लगेगा। हम नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले मान लीजिए कमजोर है वो काम नहीं करा पा रहे हैं तो क्या आप मान रहे हो कांग्रेस कमजोर है? मैं कह रहा हूँ आप मान रहे हो मैं एक आम आदमी की तरह आप मान रहे हो क्या? मैं यूँ कह रहा हूँ अगर विधानसभा में कांग्रेस वाले जनप्रतिनिधि अगर कमजोर हैं तो क्या सांसद महोदय से कांग्रेस कमजोर अब तो कांग्रेस सही नहीं बोलो अभी तो कांग्रेस सही नहीं कांग्रेस मजबूत है और मजबूत रहेगी इसलिए इतने विकास के काम हमारे प्रीति कुंवर ने यहाँ पर कराए हॉस्पिटल में शिलान्यास कराया है अभी बड़ा आईटीआई कॉलेज खुल रहा है। आज अगर वो पानी के कुएं नहीं खोते तो आज लोग प्यासे मर रहे होते और आज हमें केवल 2 महीनों के बाद ही जब से बीजेपी सरकार आई है कैसा पानी पीना पड़ रहा है क्या किया बताओ उन्होंने? अरे तो इससे पहले तो कर रहे थे 18 करोड़ लास्ट बात में यही सांसद महोदय भी जनप्रतिनिधि बनकर के हमारे बीच में आए हमारी जो सामान्य समस्या है उनका निराकरण करे। काले कुर्सी वाला आया था 400 रुपए में कुर्सी ले लो 400 रुपए में कुर्सी ले लो मैंने भावता कराया 150 रुपए में देखे गया इसलिए 400 पार का कोई भरोसा नहीं है 150 पे नहीं रह जाए। ये नल योजना के लिए कांग्रेस ने ही 18 करोड़ रुपए पास करा है जो काम चल रहा है उसमें गलत काम चल रहा है तो हम उसका भी विरोध करेंगे और ये भी विरोध करें हम इनके साथ है जी। इनके वर्तमान विधायक ने बोला था 26 जनवरी से पहले बाबूजी काम भी हो गया नहीं भी हो इनके वर्तमान विधायक ने बोला था कि 26 जनवरी से पहले कानोड में सड़कें सुधरनी चाहिए अभी तक नहीं सुधरी है कब सुधरे सर इसका जवाब मेरे पास बोला था इन्होंने बताओ आप बताओ सर 5 साल आप नहीं बताओगे आप पांच सालों तक कानोड में कांग्रेस का बोल रहा है कांग्रेस की विधायक रही है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है त्रिपल इंजन सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी में जो गौरव पद सेंक्शन हुआ था वो इनकी सरकार में बनाया गया केवल बनाने में इतना भ्रष्टाचार किया है 5 सालों से इन गड्ढों में हम आराम से घूम रहे हैं। वे यूं कह रहे हैं कि प्रीति भाभी साहब ने फुल तालाब खोदे और 100 दिन में आपने पानी ऐसा खराब कर दिया ने 5 सालों तक तालाब भर दिया हमारा समंदर बना रखे थे हमने आके उनमें कीचड़ डाल दिया अभी आते ही चुनाव होते ही हमने कीचड़ बिलाना चालू और वो तालाब सूख गई प्रीति भाभी के साथ। प्रीति भाभी ने तो 18 करोड़ रुपए नल योजना के स्वीकृत करवाए हैं और 29 करोड़ रुपए बिंडर के पास करवाए हैं जिसका काम चल रहा है जिसकी 2 टंकियां भी बन रही है पैसा हुआ है 18 करोड़ रुपए प्रीति भाभी साहब ने पास करा है ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है राज्य सरकार की योजना है। आईटीआई कॉलेज के 10 करोड़ पास करे फुले 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 हॉस्टल के 10 करोड़ रूपए पास करवाए चलो 1 सेकंड अगर सरकार की योजना सांसद महोदय वहाँ पे शिलान्यास कराना है एक मिनट अगर कॉलेज खुला है तो सबको एक बार प्रीति भाभी साहब ने अच्छा काम करा ताली बजा सम्मान है ना उनका बिल्कुल सम्मान है कि आईटीआई कॉलेज से उन्होंने बुलाया। अंतिम बार एक जना आप में से कोई बता दो कि 5 विकास के कार्य क्या योजना रहेगी पूरी लोकसभा के अंदर जिसके बूते पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो भाई साहब आप ही दिख रहे हो सब परफेक्ट आदमी नहीं 5 काम बताई दो 5 काम आप बताओ मैं अध्यक्ष हूँ ठीक है
एक तो खेजड़ी नकाबान कानोहापुर लोकसभा के अंदर कानोर के अंदर पेयजल समस्या है और पूरे नगर के आसपास के एरिया में पेयजल समस्या। लोकसभा के लिए पांच काम पूछ रहा हूँ, ये लोकसभा का ही काम है। ठीक है, पहला लोकसभा का ही काम है और ये लोकसभा का खेजड़ी नाका बांध बन जाए तो पूरे आसपास के इलाके में पानी और नहर की योजनाओं से सभी को फायदा होगा। हाईवे फोर लाइन बनाना भटेवर से प्रतापगढ़ दरियावद होके और मंदसौर तक मिलाना, नीमच मंदसौर तक मिलाना, एक मंगलवार से डायरेक्ट सलूमर मिलाना। ठीक है, लाइन पर आसपुर अहमदाबाद डायरेक्ट रोड मिला, एक रेलवे लाइन को नीमच तक मिलाना, ये केंद्रीय काम का केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय पांच, ये पांच काम तो आपने गिना दिए। एक बार आपकी पार्टी के लिए तालियां। आप पांच काम आप ऐसे बताओ कि अगर आपके सांसद यहाँ से जीतते हैं तो पांच काम आप क्या चाहते हो, कानोड़ में कैसा विकास होना चाहिए या लोकसभा में कैसा है? कि कांग्रेस का जहाँ तक सवाल आता है तो इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया की सरकार बनेगी तो जो काम होंगे हम करवाएंगे, चाहे इनके काम बता। कोई विजन तो होना चाहिए ना सर। बता रहा हूँ ना आपको, विजन बता रहा हूँ मैं। मूल बात यह है कि आज की तारीख में यहाँ केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए क्योंकि ये शिक्षा नगरी है, इसमें मैं इनका समर्थन करता हूँ और होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ट्राइबल बेल्ट इससे लगा हुआ है तो यहाँ एक कॉलेज का भी, गवर्नमेंट कॉलेज भी बनना चाहिए। दूसरा काम, तीसरी बात इन्होंने खेजड़ी नाके के लिए कही है, इसके लिए तो 20 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसका अभी तक कोई बजट आया नहीं है। उसमें रोड़ा ये अटक जाता है कि भाई वन विभाग भी आ रहा है और वन विभाग में तो सेटलमेंट में वो जमीन है वो असुरक्षित मान रखी है लेकिन उसको कोई अधिकारी, उसको कोई लेना नहीं चाह रहा है तो वहाँ खेजड़ी का नाका बनता है तो इस कानोड़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और स्वच्छ पानी मिलेगा। ठीक है, तीसरा, तीसरी बात ये है कि ये जो भटेवर से जो मिली है, नादवारा से भटेवर तक है, इसको भी फोर लाइन के रूप में ठेठ नीमच और मंदसौर तक मिलाई जाए, मंदसौर तक मिलाई जाए, इसमें हम समर्थन करते हैं क्योंकि विकास का काम है, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, चाहे ये करो चाहे हम करो। कांग्रेस भी आएगी तो कांग्रेस कराएगी, बीजेपी आए तो बीजेपी कराए, उसमें कोई दो राय नहीं। काम की नहीं, पांचवा, पांचवा काम तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया लगे तो जनता दरबार कानोड का यही समापन करते हैं। हर बार की तरह अभी भी यहाँ पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली, देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून के दिन मतदान पेटी से कौन सा जिन निकलता है, पर 26 तारीख का दिन मुकम्मल है, मतदान जरूर करना है, किसी भी पार्टी को वोट दें पर मतदान जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।